नहीं थे, दो ढाई साल पहले मैं आया था, ठीक है। उसके बाद भैया की कृपा हुई और सनीदेव की कृपा हुई, और उसके बाद मैं काफ़ी कुछ अचीव किया, मेरी जॉब भी लगी उसमें। और उसके बाद मैंने भैया के लिए कुछ लिखा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कलयुग में एक अवतार जिससे प्रफुल्लित है पूरा संसार, है सनीदेव की कृपा, है उन्हीं का चमत्कार, भेज दिया है अपने दास को, जो करे भूत प्रेत और चुड़ैलों पर प्रहार। ओझा तांत्रिक की खैर नहीं, खत्म हो जाएगा उनका काम, और अब न बचेंगे अवघड़, जो करते हैं क्रिया मलिन और करे देवताओं को बदनाम। माँ काली पर कलंक लगाया है, निर्दोषों को खूब सताया, और बिगाड़े हैं न जाने कितनों के काज, मनु भैया को भेज सनीदेव ने, है बचाई कितनी माता बहनों की लाज। अगर मानते हो तुम मनु भैया की बात, तो छोड़ दो सारी दुनियादारी, बस दिल में बसाओ शनि की प्रतिमा न्यारी। नाम लो तुम शनि देव का और करो उन्हीं का ध्यान, एक बार तो करके देखो शनि की महिमा सागर में स्नान। करते हैं जिनका मनु भैया गुणगान, ऐसे है वो देव महान। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, तो जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ लोग ठीक हुए, और ऐसी ऐसी बहनें ठीक हुई जो ये समझ लो जिनकी शादियाँ नज़दीक थी दो की, तो और मतलब अगले महीने थी, ऐसी शादियां थी कि अगले महीने शादी है इस तरह से। और कई लड़कियां ऐसी ठीक हुई जो बहुत ज़्यादा जंजाल में फंसी हुई थी, और ऐसे ही हुई माताएं बहनें ठीक होती रहें, उनके सर ना घूमे और लोक कल्याण हमारे हाथों से होता रहे। इसके लिए बोलना तो पड़ेगा ही, बोलो सच्चे सबसे अच्छे, बोलो शनिदेव, बोलो साबिर, बोलो शनिदेव, बोलो साबिर, जय। ये पूर्ण रूप से हिंदू दरबार है। कैसा दरबार है? हिंदू दरबार, क्योंकि हिंदुओं का अस्तित्व कई करोड़ साल पहले का है, आज का नहीं है। जब हम मनमंत्र गिनते हैं तभी सृष्टि के सामने, जब भी कोई संकल्प लेता है ब्राह्मण, उसी से हमारा पता चल जाता है कि हम कितने पुरातन हैं। और जो निकला है वो पुरातन से निकला है, नवीन से कुछ नहीं आता है, नूतन से कुछ नहीं आता है। नूतन से जो बढ़ता है वो नूतन बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। जो पुरातन है वही सनातन है संस्कृति का। और ये संस्कृति यूं ही इतनी विशाल नहीं है, भारतीय परंपराएं यूं ही इतनी विशाल नहीं है। एक एक परंपरा के पीछे वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक प्रविधि है, और वो वैज्ञानिक प्रविधि आज डॉक्टरों को भी पता चलती है कि हमारे जितने भी संकल्प हैं वे सारे के सारे महान हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं वे सारे के सारे महान हैं। उन्होंने बहुत सारी प्रविधियाँ हमें सिखाई हैं जो सूक्ष्म वैज्ञानिक प्रविधियों से भी बहुत ऊपर है। और हमारे तो यहाँ ऐसी ऋषि परंपरा हुई है कि विज्ञान फौरन मर जाता है, एक सेकंड में विज्ञान को मार देते हैं। कैसे? मैं एक योगी राज का वर्णन करता हूँ, श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज का, जिनके सामने कैमरामैन खड़ा हुआ है, और कैमरामैन जब कैमरे से देखता है तो वो सामने दिखाई नहीं देते हैं, जब बिना कैमरे के देता है तो देखता है तो सामने आ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जब डॉक्टर उनकी पल्स पकड़ता है, नाड़ी पकड़ता है, तो नाड़ी नहीं चलती। जब दिल देखता है तो दिल की धड़कनें उसको सुनाई नहीं देती, और वो कहता है ना आपका दिल काम कर रहा है ना नाड़ी काम कर रही है। और योगी राज कहते हैं, श्यामाचरण लाहिड़ी महाराज जो ग्रस्त थे और जिन्होंने 40वें वर्ष में गुरु की कृपा पाई, वो भी महावतारी बाबा जैसे बिरला संत की, जो 5000 वर्षों से शरीर इस पृथ्वी लोक पर है, और बीच बीच में इस पृथ्वी लोक के जो अवतारी पुरुष होते हैं, जो महात्मा गण होते हैं, उनको बीच बीच में दर्शन देकर उनको कृतार्थ करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। ऐसे कई संत हैं जिनमें नीमानंद जी का भी नाम आता है, और बहुत सारे संत हैं जो इस तरह से लोक कल्याण करते हैं छिपकर, और वो एक तरह से भगवान का ही साक्षात अवतार है। तो दूसरा जो चमत्कार हुआ, अब उन्होंने कहा कि अब आप मुझे मृत घोषित कर दो, श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज ने, तो उन्होंने कहा लेकिन आप बोल रहे हो इसलिए मृत घोषित नहीं कर पा रहा हूँ मैं, डॉक्टर ने कहा। तो इस तरह से विज्ञान फौरन मर जाता है। ये इतनी सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं कि यहाँ विज्ञान काम नहीं करता है। हाँ, वैज्ञानिक यहाँ पे कुछ खोज कर सकता है, तो मैं भारतीय वैज्ञानिकों का, भारतीय ऐसे डॉक्टरों का जो अनुसंधान के लिए तैयार है, वो अनुसंधान कर सकते हैं, और जितने उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं वो हमारे यहाँ पर वो लागू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनसे हम कैसे तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन तरंगों के माध्यम से क्या होता है। मंत्र की तरंगे, मंत्र की ध्वनियाँ भी वो उत्पन्न देख सकते हैं, उनकी तरंगों के जरिए ये भी चेक कर सकते हैं कि उसका एक शरीर पर क्या प्रभाव होता है, तीन काल में एक लड़की कैसे ठीक होती है, और उसका वर्चस्व क्या है। यहाँ आके वो 100 से 125 आदमियों की डायरी बना सकते हैं, उन 125 लोगों पर हमारे यहाँ की क्रिया का क्या फल होता है वो देख सकते हैं। तो बोलो सच्चे शनिदेव,
शनिदेव महाराज की जय।